आज ही के दिन 1963 में मनोज प्रभाकर जी भारत देश के एक्स राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेटर का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1963 में। ये क्रिकेटर रहे और क्रिकेटर क्रिकेट के कोच भी रहे हैं और अभी तक भी हैं। इन्होंने बहुत सारे क्रिकेट मैचेस में ओपनिंग किया भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट से 1996 में संन्यास ले लिया। प्रभाकर जी ने 96 विकेट लिए इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में और डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट में तो इन्होंने लगभग 350 विकेट लिए हैं। बॉलिंग के लिए काफ़ी जाना जाता था बॉल प्रभाकर जी को और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी ऋषभ प्रभाकर रहे हैं। कोच के तौर पर ये दिल्ली क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं और राजस्थान टीम के हेड कोच रहे हैं, नेपाल क्रिकेट टीम के भी कोच रहे हैं। ये थोड़ा मुझे अचंभे वाली बात लगी और उससे भी ज़्यादा अचंभे वाली बात लगी कि अफ़गानिस्तान की टीम के भी क्रिकेट कोच रहे हैं। तो ये छोटा सा अपडेट मिस्टर मनोज प्रभाकर जी, एक्स क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट दुनिया के, 15 अप्रैल को उनका जन्मदिवस है। मेरी तरफ से छोटी सी उनको श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।